अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ और ये बहुत क्रिस्पी, बिल्कुल कुकीज़ की तरह बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। हमने मैदा लिया है, तकरीबन 3 पाव मैदा है और उसमें 600 ग्राम चीनी जो है उसको मैंने पाउडर कर लिया है। ये कप मेजरमेंट के लिए मैंने लिया था, ठीक है। इस कप के हिसाब से मैंने मेजरमेंट किया, 1 पाव का ये कप है। और इससे थोड़ा सा कम जो है वो मैंने सूजी लिया, तकरीबन देखें इतना कम सूजी ली है। और इतनी ही मैंने जो है वो कद्दूकश करके नारियल लिया, उसका पाउडर बाजार से मिलता है वो भी ले सकते हैं। और 100 ग्राम ऑयल लिया, ठीक है। और दूध जो है उसको नीम गर्म कर लिया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड सारे मसाले जो हैं वो जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं तकरीबन वो सारी के सारी इस बॉल के अंदर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये सूजी है, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये नारियल का जो गोदा मिलता है बाज़ार से क्रश किया हुआ वो है, और ये तिल लें, ठीक है। तिल देख लें, ये तकरीबन मैंने 100 ग्राम के करीब लिए हैं। हिसाब अपने हिसाब से जो है आपने ऐड करने हैं इसके अंदर, थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इनको हम हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसके अंदर दूध मिक्स करेंगे तो उससे पहले ही हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये अच्छे से गुन जाता है और हर चीज़ के अंदर सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक फ़ौरन से पहुँच सकेंगे, आप उन्हें देख सकेंगे। ये देखिए, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। आप लोग घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, डालडा घी भी डाल सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप इसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। देसी घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप वो ऐड कर लें। और हम लोग ऑयल खाते हैं तो ये मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर लिया। इसको अब आपने जो है वो पाम के ज़रिए या हथेली पर रब कर करके सारे जितना भी हमने मैदा, सूजी, जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स लें हैं उनके अंदर हमने ऑयल को अच्छे से जज़ब कर देना है, ठीक है। और ये इतना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जब हम मुट्ठी में इसको बंद करेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हुआ आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता करके हमने नीम गर्म जो दूध लिया है वो इसके अंदर मैं मिक्स करती जा रही हूँ और उसको गूंथती जा रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा सख्त जो है वो मैंने गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट अगर मैं इसको गूंद लेती हूँ तो जो पैटीज़ हैं वो इतने अच्छे से क्रंची नहीं बनती, ठीक है। तो और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, जब हम बेलते हैं तो वो बार बार टूटती है, स्लीप या जिस चीज़ के ऊपर हम इसको बेलते हैं उसके ऊपर चिपक जाती है, उतरती नहीं है। तो थोड़ा सा सख्त जो है वो आपने इसका आटा जो है वो गूंदना है, ठीक है। अब देखें, ये मैं गूंद लेती हूँ और इसको मैंने साइड पर रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक साइड पे पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, वो गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम हीट पे, ठीक है। 15 मिनट के बाद जी मैं इसको एक बार हल्के से हाथों से एक बार दोबारा गूंद लूँगी, ठीक है, ताकि इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहे। अब देखिए, इतने बड़े बड़े पेड़े जो है वो मैंने ले लिए हैं इसके अंदर से, और इनको हमने पेड़ा बनाना है। और उसके बाद इसको मैंने जो है वो बेलन की मदद से रोटी टाइप बना लेनी है। लेकिन याद रखें, रोटी हम ज़्यादा पतली बेलते हैं और जो ये टिक्कियों का आटा होता है इसकी जो रोटी होती है वो थोड़ी सी मोटी बेली जाती है, ठीक है। तभी जाके वो कुकीज़ क्रंची बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल और क्रंची से बनते हैं। जितने मर्जी दिन आप रख लें बिल्कुल ख़राब नहीं होते और बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अगर खुश्क इसके साथ आटा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, ऑयल ख़राब हो जाता है और उसको बार बार छानना पड़ता है। मैं ऑयल ही नीचे लगा लेती हूँ स्लेब पे और ऑयल ही बेलन पे लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है, नीचे से भी आराम से उतर जाता है और बेलन के साथ भी ये नहीं चिपकता, और ये बहुत मज़ेदार और आसान से हम बना लेते हैं, हमारा ऑयल भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैदा जो अब हम लगाते हैं तो मैदा ऑयल को ख़राब कर देता है। अब देखिए, इतनी थिक जो है हमने ये ले लेनी है, और एक गिलास ले लेंगे या कुकी कटर ले लेंगे, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से आपने राउंड शेप में कुकीज़ जो हैं वो काट लेनी है, ठीक है। इस तरह से देखें, आपने शेप दे लेनी है तमाम पैटीज़ को, इस तरह से कट कर लें आप, ठीक है। आराम से हो जाता है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। और बहुत ये देखें, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, देख रहे हैं आप, इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। इनको हम साइड पे करते जाएंगे, लेकिन साइड पे स्लेब पे या जिस चीज़ पे आपने इनको रखना है उस पर थोड़ा सी ग्रीसिंग कर लीजिएगा ऑयल की, ताकि ये चिपके ना। तो मैंने ग्रीसिंग कर ली है तमाम स्लेब पे, तो अब ये आराम से वहाँ पे मैं रखती जा रही हूँ। ऑयल जैसे ही हमारा हीट अप होता है बिल्कुल स्लो आंच पे आप लोगों ने इनको सेकना है, बिल्कुल स्लो आंच पे ये कुक होंगी। तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से पक जाएगी और नीचे से अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना वो क्रंची बनेगी और ना वो इतना अच्छा टेस्ट देती है जितना इसका एक्चुअल टेस्ट होता है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों ने बिल्कुल स्लो हीट पर इसको हमने पकाना है।
तो ये बहुत अच्छे से अंदर से भी पक जाती हैं और बाहर से भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब देखिए कुकीज़ को काटने के बाद बाकी आटा जो है उसको दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और उसको दोबारा से बेल लेंगे। इस तरह करके हमने तमाम कुकीज़ जो है वो बनाते जाना है और साइड पर करते जाना है। जैसे ऑयल हमारा हीट अप होता है, क्योंकि ये बहुत आराम आराम से सिकती हैं तो इसलिए ये इसमें भाई टाइम लगता है, कोई जल्दी वाला काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। आपने आराम से बनानी है, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो पकाया भी अच्छी तरह करें ताकि हमें जो हमारा रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है वो मिले। ठीक है, ये देखें ऑयल गर्म हो गया है और बिल्कुल स्लो हीट पे जो है वो मैंने एक एक पैन जो है थोड़ा सा बढ़ा है, उसमें मैं 8-8 कुकीज़ जो है वो एक साथ में पका रही हूँ और ये बहुत अच्छे से पक जाएंगी और कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत आराम से बन जाती है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोगों ने इसे ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। बहुत मज़ेदार बनती है, ट्राई करेंगे तो दुआएं देंगे इंशाल्लाह और बहुत अच्छे टेस्ट की बनती है। इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कोई आपको समझा सकेगा, ठीक है, इस बारे में। अच्छा, एक और दूसरी टिप मैं आपको देती जा रही हूँ, जो जिस ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है उसमें इतना ऑयल होना चाहिए फ्राई पैन में कि कुकीज़ से ऊपर ऑयल हो। ठीक है, आपने कम, मैंने अक्सर लोगों को देखा तवे पे बना रही होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आप जो है वो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लेते जिसके अंदर ये अच्छे से फ्राई, हमने इनको फ्राई करना होता है। ठीक है, जैसे समोसे वगैरह इन चीज़ों को हम फ्राई करते हैं खुले तेल में, इसी तरह ये खुले तेल में फ्राई होती हैं तभी ये क्रंची बनती है और तभी इतनी मज़ेदार बनती हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं करना बताना भूल गई थी, अब दोबारा बता रही हूँ। आपने इसके अंदर इस तरह से निशान लगा लेने हैं, क्योंकि जब हम इनको ऑयल के अंदर डालते हैं तो ये फूल जाती हैं, तो वो फूली हुई हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इनको हमने एक्चुअल शक्ल में बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कांटा ले लीजिएगा फोक के ज़रिए। ठीक है, और आपने जो है वो इसके अंदर सुराख बना लेने, निशान बना लेने, जैसे हम नान में बनाते हैं वैसे। इससे ऑयल अंदर चला जाएगा, ये अंदर से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और फूलेंगी भी नहीं और बहुत क्रंची बहुत टेस्टी बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा जो कलर आ गया है और मैंने एक बैच जो वो तैयार कर लिया, अब सेकंड में इसमें डालने लगी, बहुत सारी बनाई थी, काफ़ी टाइम लगा था और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, एक दिन के अंदर अंदर ही हम लोगों ने जो है वो चट कर ली थी सारी। ठीक है, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं, ट्राई कीजिएगा, अच्छी अच्छी मुझे दुआएं दीजिएगा। ठीक है, ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कि जब आप लोग खाएं, कहते हैं ना कि जो दिल का रास्ता होता है वो मैदे से होके गुजरता है, तो सेम वही चीज़ है, आप लोगों की मोहब्बत जो है, आप लोगों का जो साथ है वो इसी तरह चाहिए कि आप जब ये रेसिपीज ट्राई करेंगे, आप लोग इन्जॉय करेंगे, मुझे दुआएं देंगे और मेरा साथ देंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।